स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 2 कर रहे थे, दैट इज पॉलिनोमियल। आज के वीडियो में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया वो देखिए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय नंबर 1 एक्स प्लस 1, नंबर 2 एक्स माइनस 1 बाई 2। और भी और दो पॉलिनोमियल दिया गया है। हम लोग को ये फाइंड करना है कि जब मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूंगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के लिए आप लोग सबसे पहले इसको पी ऑफ एक्स मान लो। ये जो पॉलिनोमियल होता है बड़ा वाला, इसको क्या मानते हैं, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब ये जो पॉलिनोमियल जिससे ये पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड होगा, इसको मान लीजिए आप लोग जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमारा जी ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग लेट एज्यूम किए, लेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू निकालने के बाद इसमें प्लेस कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट g ऑफ x इक्वल टू 0 मानते हैं ताकि मेरा x का वैल्यू आ जाए। तो अगर g ऑफ x का वैल्यू 0 माना और यहाँ पे पुट कीजिए तो क्या आएगा, यहाँ पे पूरा वैल्यू 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। ये जो g ऑफ x था मैंने क्या मान लिया, 0। तो यहाँ पे g ऑफ x का वैल्यू क्या हो गया, 0, और ये सेम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको उल्टा कीजिए तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। और x को अगर मैं सिंगल छोड़ू तो ये प्लस 1 है, इस सब से क्या होगा, माइनस 1। तो x इक्वल टू क्या होगा, ये 0 का 0 प्लस 1 था, इस गया तो माइनस 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 0 माइनस 1 ये भी का माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जो x का वैल्यू आया इसको अब हम लोग प्लेस करेंगे इसमें p ऑफ x। तो हमारा देयरफॉर p ऑफ x क्या दिया है, दैट इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे p का p x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, माइनस 1, ठीक है। तो x की जगह पे क्या पुट किया, माइनस 1, इक्वल का इक्वल साइन। अब x की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस 1। और मैंने पहले ही बोला था जहां पे पावर होगा वहां पे आप लोग को ब्रेकेट यूज करना, ठीक है। ये क्यूब का क्यूब प्लस का प्लस 3 का 3 कुछ नहीं मतलब इनटू साइन, x का वैल्यू कितना है, माइनस 1, तो जगह माइनस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद प्लस का प्लस 3 का 3 कुछ नहीं मतलब इनटू साइन, x का वैल्यू कितना दिया है, x का वैल्यू दिया आप लोग को माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 1, प्लस का प्लस 1 का 1। सबसे पहले हम लोग क्या किए, जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल था उसको आपको p ऑफ x एज्यूम करना है और जो छोटा वाला होगा जो डिवाइड करेगा उसको g ऑफ x मान लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लेट g ऑफ x इक्वल टू 0 मानना है ताकि मेरा x का वैल्यू आए। तो मैंने g ऑफ x के जगह पे आपको 0 और ये 0, ठीक है। अब इसको उल्टा किया और x का वैल्यू सिंगल छोड़ा तो ये प्लस 1 निकल गया तो माइनस 1। अब ये जो x का वैल्यू माइनस 1 आया आपको ये पॉलिनोमियल में पुट करना है, ये पॉलिनोमियल लिख दिया और x का वैल्यू क्या कर दिया, मैंने माइनस 1 पुट कर दिया, जहां जहां x था वहां पे माइनस 1 डाल दिया। अब डालने के बाद ये p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब करना है, तो इसका मतलब माइनस 1 को आप लोग 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे 2 माइनस बचा तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आएगा, माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आता, ठीक है। तो हमारा माइनस 1 का क्यूब कितना आया, माइनस 1, प्लस का प्लस 3 का 3 इंटू का इंटू। अब माइनस 1 का स्क्वायर करना है तो माइनस 1 का स्क्वायर मतलब माइनस 1 इंटू माइनस 1, दो बार मल्टीप्लाई करना है माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 1 का कितना होगा, 1। यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1। प्लस का प्लस, अब 3 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 3, प्लस का प्लस 1 का 1, ठीक है। अब p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू, अब ये देखिए माइनस 1 और एक प्लस 1 है,
तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और 3 1 का कितना हो गया 3 प्लस माइनस माइनस 3 का 3। अब दैट मीन्स p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस 3 कितना आ गया 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा आगे रिमाइंडर, तो देयरफॉर हमारा जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर कितना आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेम प्रोसेस से हम लोग इसको भी करते हैं, जब ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड होगा तब हमारा रिमाइंडर क्या आएगा वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पी ऑफ एक्स लिख देते हैं, पी ऑफ एक्स दिया है दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब हमें जी ऑफ ये क्या है जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स क्या दिया है यहां पे आप लोग लेट एज्यूम कर लीजिएगा लेट। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स क्या दिया है x माइनस 1 बाई 2। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोग लेट एज्यूम करेंगे जी ऑफ एक्स का वैल्यू 0, सेम इसका जैसा करना है जैसे हम लोग किए थे, तो लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एज्यूम करते हैं। तो अगर जी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा 0 इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई 2। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो एक्स माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 0 होगा। अब एक्स को सिंगल छोड़ना है, तो जब एक्स को हम लोग सिंगल छोड़ेंगे तो माइनस 1 बाई 2 है, इसे ढंग से क्या होगा प्लस 1 बाई 2, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 0, ये माइनस इसे क्या तो प्लस 1 बाई 2। अब एक्स का वैल्यू कितना आ गया 0 प्लस 1 बाई 2 1 बाई 2। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब पॉलिनोमियल में पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया था पी ऑफ एक्स इक्वल टू दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब हमको पी ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, एक्स की जगह पे 1 बाई 2 पुट करना है, तो 1 बाई 2 इक्वल का इक्वल एक्स की जगह पे 1 बाई 2, अब ये क्यूब का क्यूब प्लस का प्लस 3 का 3 पूछते मतलब इंटू साइन। अब x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 1 बाई 2 है, तो यहाँ पे 1 बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 बाई 2 का स्क्वायर लिख दिया, अब प्लस का प्लस 3 इंटू, अब x का वैल्यू कितना है 1 बाई 2 और प्लस 1 ये वाला प्लस वन नीचे लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज पी ऑफ 1 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा, अब 1 का क्यूब कितना आता है, 1 का क्यूब आता है दैट इज 1। ठीक है, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 2 का 4 4 जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस 3 का 3 इंटू का इंटू। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 और 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये जो स्क्वायर है दोनों का साथ होगा। ठीक है, याद रखिएगा प्लस का प्लस फिर 3 1 3 और 2 और ये प्लस 1 का प्लस होगा। ठीक है, अब इसके बाद पी ऑफ 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 8 प्लस 3 1 3 और 4। ठीक है, फिर प्लस का प्लस 3 बाई 2 का 2 प्लस 1, अब नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब आपको क्या करना है, सबका एलसीएम लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए तो पी ऑफ 1 बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा, ये सारा का एलसीएम लीजिए 8 4 8 4 और 2 का, तो जब एलसीएम लेंगे 2 से तो 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2, फिर 2 से 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1, फिर 2 से 2 1 1 1, तो हमारा जो एलसीएम आ गया, एलसीएम इक्वल टू कितना आया 2 × 2 × 2 दैट इज 2 2 जा 4 4 2 जा 8, एलसीएम कितना आ गया 8। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब 8 में कितना मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, डिनोमिनेटर सेम करना होता है। ठीक है, तो 8 में कितना मल्टीप्लाई करने से 8 आता है 1, तो यहाँ पे 1 इंटू ऊपर कितना है 1 प्लस का प्लस। 4 में कितना मल्टीप्लाई करने से 8 आता है 2, तो यहाँ पे 2 इंटू ऊपर कितना है 6 प्लस का प्लस। अब 2 में कितना मल्टीप्लाई करने से 8 आता है 4 इंटू ऊपर कितना है 6 प्लस 1 कितना जा 8 जा इंटू ऊपर कितना है 1। इसके बाद पी ऑफ 1 बाई 2 इक्वल टू कितना गया 1 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाई 8। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह 20 26 27, तो हमारा पी ऑफ 1 बाई 2 कितना आ गया दैट इज 20 27 बाई 8,
तो देयरफॉर हमारा जो रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, दैट इज 27/5। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 एंड 2। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 का 3 एंड 4। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर। इसको भी हम लोग को सेम बोला गया है क्वेश्चन में कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको इससे डिवाइड करके हमको रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसको पी ऑफ एक्स ले लेते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x+1। ठीक है, और ये जो दिया इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं, दैट इज लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसको क्या मान लिया, जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमको क्या एज्यूम करना है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू मैं 0 पुट कर लूंगा, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 इंटू, वैसे इसको भी करेंगे। तो देयरफॉर लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मान लिया, तो अगर 0 मान लिया तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे जी ऑफ एक्स की जगह पे, तो क्या होगा 0 = x, और इसको जब उल्टा करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको x की जगह पे क्या पुट करना है, 0। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x+1। ठीक है, अब p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, इन प्लेस ऑफ x क्या पुट करेंगे हम लोग, 0। तो x की जगह पे मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, अब x की जगह पे क्या लिखना है मुझे, 0, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 का क्यूब प्लस का प्लस 3 का 3 कुछ नहीं मतलब इंटू साइन, x का वैल्यू क्या पुट करना है, 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर होगा, प्लस का प्लस 3 का 3 कुछ नहीं मतलब इंटू साइन। ठीक है, x का वैल्यू कितना दिया, 0, तो यहाँ पे 0 होगा, प्लस का प्लस 1 का 1। अब यहाँ पे 0 का क्यूब क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, प्लस का प्लस 3 का 3 इंटू, अब 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, प्लस का प्लस 3 0 = 0, प्लस का प्लस 1 का 1। अब यहाँ पे 0 + 3 0 = 0 प्लस ये 0 + 1, तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 1। तो दैट मीन्स पी ऑफ 0 का वैल्यू कितना आया हमारा, दैट इज पी ऑफ 0 का वैल्यू आ गया हमारा 1। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 3। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो x + π दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन में तो यहाँ पे सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे हम लोग, लेट पी ऑफ एक्स क्या मान लेते हैं हम लोग, जो पी ऑफ एक्स हम लोग को प्रोवाइडेड है उसको मान लेते हैं। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स क्या दिया, x³ + 3x² + 3x+1। ठीक है, अब हमको जी ऑफ एक्स क्या दिया हमें, दैट इज x + π। ठीक है, x + π। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एज्यूम करते हैं जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे, 0। ठीक है, तो लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं 0, तो 0 = क्या होगा, x + π। और इसको जब हम लोग उल्टा करेंगे, तो ये हो जाएगा, दैट इज x + π = 0। ठीक है, x + π = 0। अब x को आप लोग सिंगल छोड़िए, तो x को सिंगल छोड़ने से प्लस है, इस तरह से माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 0 - π। तो x का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज -π। अब क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू जो -π है हम लोग p ऑफ x में पुट करेंगे। ठीक है, तो जब इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो देयरफॉर p ऑफ x का वैल्यू क्या दिया गया हमके, हम लोग को दिया गया, दैट इज x = x³ + 3x² + 3x+1। ठीक है, अब हम लोग को x के जगह पे क्या पुट करना, -π। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x के जगह पे -π = x के जगह पे -π³ + 3 का 3 कुछ नहीं मतलब इंटू साइन, x के जगह पे क्या पुट करना है, -π। तो -π ये स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस 3 का 3 कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई
एक्स का वैल्यू कितना है माइनस वन, प्लस का प्लस वन का वन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू आएगा माइनस पाई इक्वल टू माइनस पाई का क्यूब, तो माइनस पाई का क्यूब मतलब माइनस पाई को तीन बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें माइनस से माइनस कैंसिल, एक टू माइनस बचेगा, ठीक है। तो पाई इंटू पाई तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज पाई का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, पाई का क्यूब, लेकिन वो भी किसमें, वो भी हमारा माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का प्लस, थ्री का थ्री, इंटू का इंटू, अब माइनस पाई का स्क्वायर है, तो माइनस पाई इंटू माइनस पाई, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पाई 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा, ये माइनस थ्री इंटू पाई थ्री पाई, और प्लस वन का प्लस वन। अब इसके बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पी ऑफ माइनस पाई इक्वल टू माइनस पाई क्यूब प्लस थ्री पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई प्लस वन। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा क्वेश्चन नंबर फोर भी, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर वन का दैट इज लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइव, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर वन का फाइव नंबर, ये क्वेश्चन नंबर वन का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग को सेम करना है। इसको ये जो आपको प्रोवाइडेड है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट पी ऑफ एक्स इसको मान लेते हैं, दैट इज एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और हमारा जो जी ऑफ एक्स है वो क्या है, दैट इज फाइव प्लस टू एक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एज्यूम करेंगे कि जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या, जीरो, ठीक है। तो लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो अगर जी ऑफ एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो इज इक्वल टू फाइव प्लस टू एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, इसको उल्टा करना है। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो फाइव प्लस टू एक्स इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। अब क्या करना है आपको, एक्स को सिंगल छोड़ना है, तो जब एक्स को सिंगल छोड़ेंगे तो ये फाइव प्लस में, इस साइड से क्या होगा, माइनस में, तो टू एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये फाइव को पहले भगाना है, ठीक है। तो जीरो का जीरो, ये कुछ नहीं मतलब प्लस है, इस से माइनस फाइव, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू कितना आएगा, तब यहाँ पे 2x हो जाएगा और 0 माइनस फाइव क्या होगा, माइनस फाइव। अब x को सिंगल छोड़ेंगे, तो जब x को सिंगल छोड़ेंगे तो अब 2 को भगाना पड़ेगा, तो 2 हो गया मल्टीप्लाई में इस तरह से डिवाइड, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो x का वैल्यू आया हम लोग p ऑफ x में पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, देयरफॉर p ऑफ x क्या दिया गया हम लोग को, दैट इज एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस फाइव बाई टू, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। अब जहां पे एक्स होगा वहां पे माइनस फाइव बाई टू, तो माइनस फाइव बाई टू का क्यूब प्लस का प्लस थ्री का थ्री, कुछ नहीं मतलब इंटू साइन, एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस फाइव बाई टू, तो माइनस फाइव बाई टू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस थ्री का थ्री, कुछ नहीं मतलब इंटू साइन, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस फाइव बाई टू, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस फाइव बाई टू प्लस का प्लस वन का वन, ठीक है। अब यहाँ पे पी ऑफ माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आप लोग को माइनस फाइव पर तीन बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक टू माइनस बचा, और फाइव फाइव जब 25 एंड 25 फाइव जब 125, तो यहाँ पे क्या होगा, 125, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का माइनस, दैट मीन्स माइनस फाइव को अगर तीन बार आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 125 आएगा, तो मैंने यहाँ पे 125 लिख दिया। अब ये क्यूब इसके साथ भी है, अब टू का क्यूब करते हैं, तो टू को तीन बार मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, एट, टू जब फोर फोर टू जाएगा, यहाँ पे एट ही, ठीक है। प्लस का प्लस थ्री का थ्री, उसने मतलब इंटू साइन, माइनस फाइव का स्क्वायर, माइनस फाइव का स्क्वायर मतलब माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव, ये माइनस माइनस कैंसिल, फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव,
तो 25। अब 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो 2 टू जो कितना होगा दैट इज 4, प्लस का प्लस। अब ये 3 इंटू 5 दैट इज -15 और 2 का 2, ये हमेशा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, याद रखिएगा। प्लस 1 का प्लस 1। अब पी ऑफ -5/2 इक्वल टू, अब यहाँ पे -125/8 सेम रहेगा, अब प्लस का प्लस, अब 25 त्रिज्या हो जाएगा 75 और नीचे 4, अब प्लस माइनस क्या होता है -15/2 प्लस 1 का प्लस 1, ठीक है। अब नीचे कुछ थे मतलब 1। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, ये जो आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है ये तीनों का एलसीएम लेंगे। तो जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे दैट इज 8, 4 और 2 का, तो 2, 4 जा 8, 2, 2 जा 4, 2, 1 जा 2, फिर 2, 2 जा 4, 2, 1 जा 2, 1, फिर 2 से 2, 1 जा 2, 1, 1, तो 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, हमारा एलसीएम कितना गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, अब 8 कितना जा 8 होता है, 8, 1 जा, तो 1 इंटू ऊपर कितना है -125, ठीक है, प्लस का प्लस, 4 कितना जा 8 होता है 2 जा, तो 2 इंटू ऊपर कितना है 75। अब माइनस का माइनस, अब 2 कितना जाए तो 2, 4 जाए, इंटू ऊपर कितना है 50, प्लस का प्लस, अब 1 कितना जा 8 होता है 1, 8 जा, तो 8 इंटू ऊपर कितना है 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा पी ऑफ -5/2 इज इक्वल टू 1 इंटू -125, इट बिकम 125, ठीक है, प्लस का प्लस, अब 75 टू जा कितना होगा 150, ठीक है। अब माइनस का माइनस, अब 15 फोर जा कितना होगा 60, प्लस का प्लस, 8, 1 जा 8, ठीक है। अब होल डिवाइडेड बाय नीचे 8, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो -5/2 इक्वल टू, अब जो जो प्लस है ना, अब यहाँ पे देखिए -125 है और ये -60, माइनस माइनस क्या होता है नंबर का प्लस बट साइन नेगेटिव, तो 125 प्लस 60 ये कितना हो जाएगा 185, ठीक है। और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो इसको जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा प्लस 158 और नीचे कितना है दैट इज 8, ठीक है। तो जब आप लोग इसको माइनस करोगे तो -5/2 इक्वल टू, जब इन दोनों को माइनस करेंगे हम लोग तो दोनों में से बड़ा ये है तो इसका क्या माइनस है, आंसर भी माइनस में आएगा, ठीक है। अब 185 में से 158 माइनस कीजिए, तो यहां से 1 दिया 15, 15 हो गया, तो 15 में से 8 काटेंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है। और यहां से 1 गया तो यहां पे बचा 7, 7 में से 5 2, तो यहां पे कितना गया 27 बाई और नीचे कितना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है, दैट इज एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा दैट इज एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, तो आई होप आप लोग को सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।